नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है। कुछ लोग तुलसी को अपने घर के आंगन में रखते हैं तो वही कुछ लोग छत पर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत दे सकती है? जी हाँ, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है तो यह भी एक प्रकार का संकेत है कि या तो आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या इसके पीछे एक कारण छिपा है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि तुलसी का पौधा यदि बार बार सूख रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, साथ ही तुलसी कैसे आने वाले घटनाओं का इशारा दे सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तुलसी के पौधे से जुड़े वास्तु टिप्स। तुलसी के पौधे को अगर छत पर लगाया जाए तो माना जाता है कि बुध कमजोर हो सकता है। वही बुध को धन और व्यापार दोनों का स्वामी कहते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति का बुध प्रभावित हो तो इसे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ लोगों के घर में अचानक से तुलसी सूख जाती है, इसका संबंध भी बुध से है। इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में कुछ परेशानियां आने वाली है जो बुध से संबंधित हो सकती है। यदि किसी के घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में पितृदोष का प्रकोप है। पितृदोष के प्रकोप से अर्थ है कि घर के पितृ खुश नहीं है या वह किसी बात से रूठे हैं। यदि आपके घर में मौजूद तुलसी के पौधे के पास किसी चिड़िया या कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ साथ में घंटी का बटन भी दबाएं।